डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत। डियर लैड, सेकंड ईयर का सेकंड पेपर अपन पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में। सेकंड पेपर जिसका नाम है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन एवं शिक्षण। देखो, ये जो प्रश्न पत्र है इसका आप जो टाइटल है उसको अच्छी तरह से समझे, और टाइटल समझ जाओगे तो पूरा पेपर समझ में आ जाएगा, और जब यूनिट के टाइटल को समझोगे तो पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी। देखिए, विद्यालय की संस्कृति, विद्यालय क्या है? अपने आप में एक संस्था है, अपने आप में एक समाज है। उस वहाँ की संस्कृति को समझना, वहाँ के अनुशासन को समझना, वहाँ के किस प्रकार से जिया जाता है बालकों को, किस प्रकार से वहाँ पर एजुकेशन मिलती, इस संस्कृति, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना, और वहाँ का प्रबंधन, वहाँ का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, वहाँ के जो उसमें व्यक्ति जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो संस्था प्रधान होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से वहाँ का प्रबंधन होना होता है उसके बारे में, और किस प्रकार से वहाँ शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यानी कि ये जो पेपर है, ये सिर्फ और सिर्फ विद्यालय पर डिपेंड है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप BSTC कर रहे हैं, आप तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उस क्लास में पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास के सामने आपके बच्चे बैठे हैं, कमरा हवादार है और बिल्कुल प्रकाशित है, यानी कि बालक को अच्छी तरह से श्याम पट पे दिखाई दे रहा है। आपके बच्चे के सामने श्याम पट है, आप श्याम पट के पास खड़े हैं, आप चौक डस्टर आपके हाथ में है या पेन आपके हाथ में है, बालक उसको पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब उस संदर्भ में आपको सोचते हुए हर प्रश्न का जवाब देना है, या आप इस तरीके से कल्पना करके यदि आप प्रश्न का उत्तर दोगे तो निश्चित रूप से आपको हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अपनी जो यूनिट है चौथी, जो अपन इस क्लास में आज पढ़ रहे हैं, उसका नाम है विद्यालय संस्कृति और परिवेश। देखो, विद्यालय की संस्कृति और परिवेश के बारे में आज पढ़ेंगे, इस संस्कृति के बारे में, और वहाँ का किस प्रकार से वातावरण होता है, किस प्रकार वहाँ पर उत्सव जयंतियाँ मनाई जाती है, और किस प्रकार से विद्यालय की जो कल्चर है वो है, उसके बारे में अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में प्रचलित विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन किन किन पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है? देखो, बालक जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो विभिन्न श्रेणी के होते हैं। कोई बालक ऐसे होते हैं जिनको देरी से समझ में आता है, कोई बालक ऐसे होते हैं जो सहशैक्षणिक गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं, कोई बालक ऐसे होते हैं जिनका खेलों के प्रति रुझान होता है, कोई ऐसे बालक होते हैं जिनका सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति रुझान होता है। यानी कि हमें उनका श्रेणी का विभाजन किन किन पक्षों को देख करके करना चाहिए वो देखिए। अध्यापक को बालकों को श्रेष्ठ, औसत और निम्न आदि श्रेणियों में विभाजित करते समय शैक्षिक अंकों के साथ साथ कुछ अन्य पक्षों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये तो है ही है, शैक्षिक अंक जो हैं, जैसे अपन समझते हैं ना, अपन श्रेणी में करते हैं, विभाजित करते हैं, श्रेष्ठ बच्चा, औसत बच्चा, निम्न बच्चा, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, है ना, ये सब श्रेणी का विभाजन है। तो कक्षा कक्ष में यदि बालक को हम कहें कि ये श्रेष्ठ बालक है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? अंक तो है ही है, शैक्षिक अंक तो है ही है, शैक्षिक अंकों के अलावा अन्य पक्षों पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, कक्षा में बालक का प्रदर्शन कैसा है, कक्षा कक्ष में उस बालक का किस प्रकार से प्रेजेंटेशन है, वो बालक किस प्रकार से अपना रिप्रेजेंट करता है, किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है बालक, प्रश्न का जवाब देता है बालक, या केवल सुनता है, वो सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी। नंबर 2, उसकी सह शैक्षिक गतिविधियों में संलग्नता क्या है, जो करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सह शैक्षिक गतिविधियों में बालक कितना संलग्न है, किस प्रकार से उसमें अपने आप को संलग्न रखता है, ये भी चीज़ देखने लायक होती है। तीसरा होता है बालक की सामाजिक एवं सामुदायिक पृष्ठभूमि, बालक जो हैं उसकी सामुदायिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, यानी कि वो किस समुदाय से है और किस सामाजिक पृष्ठभूमि से, यानी कि वो यदि बालक एक ऐसे समुदाय से है जो खेलों के प्रति ज़्यादा रुझान रखता है, या जो जिनके घर में एजुकेटेड ज़्यादा हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखना कि ये बालक किस प्रकार से मॉडिफाई हो सकता है, जिस घर में जैसे नेशनल प्लेयर हैं, जिस घर में इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो वो बालक क्या करेंगे खेम के प्रति, जैसे किसी घर में म्यूजिक का सिस्टम है, संगीतकार ज़्यादा हैं, तो वो क्या है बालक संगीत के प्रति, म्यूजिक के प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे, इसका भी ध्यान रखना है। चौथा, विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक के अंतर्मन की भावना,
विद्यार्थियों को भी देखना है कि विद्यार्थियों के मन में क्या चल रहा है, बच्चा किस प्रकार से बनना चाहता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर दो, पर्व से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए, इसके आयोजन से विद्यार्थियों को कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। ये तीन प्रश्न एक साथ है। पर्व से क्या मतलब ऐसा भी आ सकता है, इस पर्वों के प्रकार कौन कौन से ये भी आ सकता है, और इसके आयोजन से, पर्व के आयोजन से स्टूडेंट्स को कौन कौन से लाभ होते हैं, उनके दैनिक जीवन में किस प्रकार से उनका विकास होता है, उसके बारे में अपने को इसके आंसर देने। तो पर्व से तात्पर्य है हर्ष का अवसर। पर्व का मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन वो आनंद देवे, एक उत्सव का दिन होता है, वो पर्व कहलाता है। राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व, है ना, एक तो होता है राष्ट्रीय पर्व, नेशनल जो फेस्टिवल हैं, 26 जनवरी हैं, 15 अगस्त हैं, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल माने जाते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। आगे आता है धार्मिक पर्व। धार्मिक पर्व तो हैं रिलीजियस जो फेस्टिवल हैं, जैसे रामनवमी है, महाशिवरात्रि है, होली है, दीपावली है, ईद है, क्रिसमस डे है, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, हमारे धार्मिक पर्व हैं। तो ये धार्मिक पर्व हैं, ये राष्ट्रीय पर्व हैं। तो ये पर्व के प्रकार हैं, और ये पर्व से मतलब है ऐसा अवसर, ऐसा दिन जिस दिन हमें हर्ष और आनंद प्राप्त होता है, हर्ष और आनंद का उत्सव का दिन पर्व कहलाता है। उत्सव, पर्व, जयंतियों के आयोजन से विद्यार्थियों को कौन कौन से लाभ है, चाहे पर्व के आयोजन से विद्यार्थियों को लाभ बताइए या उत्सव पर्व जयंतियों से, ये प्रश्न भी बन सकता है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। क्योंकि विद्यालय के अंदर क्या होता है, उत्सव पर्व जयंतियाँ, जब इनका दिन होता है उत्सव मना, जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, इससे क्या लाभ है, इससे क्या होता है, राष्ट्रीय पर्व वो होते हैं जिस ऐसा पर्व, ऐसा उत्सव जिस दिन पूरा देश एक साथ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी राग द्वेष के मनाता है, और वो होता है राष्ट्रीय पर्व। धार्मिक पर्व में क्या होता है, भारत देश में अनेक धर्म और संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्व आते हैं, अलग अलग त्यौहार आते हैं, अलग अलग जयंतियाँ आती है, सब मनाते हैं, और उससे क्या होता है, क्या क्या लाभ होता है, बालकों को किस प्रकार से विकास होता है, उसके बारे में अपने को लिखना है। नंबर एक, पर्वों के आयोजन से बालक में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। बालक जब विद्यालय में देखेगा कि पर्व का आयोजन हो रहा है, जयंती का आयोजन हो रहा है, उत्सव का आयोजन हो रहा है, तो बालक का क्या होगा, उस दिन कोई प्रतियोगिता रख देंगे, क्रीड़ा प्रतियोगिता है कोई ऐसी, तो उससे क्या होगा, बालक को शारीरिक विकास होगा, बालक का मानसिक विकास इसलिए होगा कि बालक को क्या, वो समझाया जाएगा, बालक को उसके समझ में आएगा कि जैसे कोई जयंती मनाई जा रही है, महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है, तो उस जयंती के अंदर महात्मा गांधी जी के चरित्र का चित्रण किया जाता है, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है, तो बालक क्या करेगा, उसमें उस बालक का बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, और वो एक ऐसे महान पुरुष जो हैं उनका अनुसरण करेगा। तो उत्सव पर्व जयंतियों के बहुत से लाभ हैं। दूसरा लाभ, बालकों में कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, चिंतन आदि गुणों का विकास होता है। बालक में क्या होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा। बालक उत्सव कब आएगी, कितनी तारीख को आती है, मकर संक्रांति कब आएगी, महाशिवरात्रि कब आएगी, तो बालक का क्या आगे की आगे सोचने की शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, बालक क्या करता है, क्रिएटिव होता है, इससे बालक में चिंतन की गुणों का विकास होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि बालकों में कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, चिंतन आदि गुणों का विकास उत्सव पर्व जयंतियों के मनाने से होता है। तीसरा लाभ है, अध्ययन के साथ साथ बालकों के विभिन्न पर्व और संस्कृतियों का बालक को ज्ञान होता है। बालक को क्या होगा, पढ़ तो रहा है, किताबी ज्ञान तो ले रहा है, उसके साथ साथ बालकों में विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान होगा बालक को कि वे किस संस्कृति में, किस धर्म में, किस प्रकार से ये पर्व मनाए जाते हैं, किस धर्म की क्या विशेषता है, इनके बारे में बालक जानता है। चौथा, पर उत्सव जयंतियों से बालकों का अध्ययन सहज और रुचिकर बन जाता है और प्रभावी बन जाता है। बालक क्या करता है, जब पढ़ता रहता है, इस तरह का यदि आयोजन नहीं होगा, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का, पर्व जयंतियां, उत्सव नहीं मनाए जाएंगे, तो क्या होगा, बालक उस पढ़ाई से थोड़ा सा उबाऊपन महसूस करेगा। उस उबाऊपन को कम करने के लिए, बालकों के अध्ययन को सहज बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए ये उत्सव जयंतियाँ काम आती है। आगे देखिए,
बालकों में विभिन्न संस्कृति के पक्षों का ज्ञान होता है। बालकों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, उसके पक्ष का मिलता है। इसीलिए बालकों में क्या होता है, इस प्रकार की इसका विकास होता है कि किस संस्कृति में किस प्रकार से पर्व जयंतियाँ उत्सव मनाए जाते हैं, इसका ज्ञान होता है। छठा है, इस प्रकार के आयोजनों से स्वकर्तव्य बोध की प्रेरणा मिलती है। जैसे किसी की जयंती मनाई जा रही है, उस जयंती पर उस व्यक्तित्व को याद किया जाता है, उस व्यक्तित्व में किस प्रकार से संघर्ष किया अपने जीवन को जीने के लिए, किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों का सामना डटकर मुकाबला किया, उन सब से बालक क्या करता है, स्वयं कर्तव्य बोध करता है। वह अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करता है। महान व्यक्तियों को उस दिन याद करते हैं अपन। आगे देखिए सातवा, समूह में कार्य करने की दक्षता और नेतृत्व करने की कुशलता आती है। देखो बालक क्या करेगा, उस दिन अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होगी तो बालक में क्या होगी, दक्षता का विकास होगा, बालक में नेतृत्व करने की कुशलता आएगी। आठवां है, बालकों में शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। बालक में क्या होगा, इस प्रकार की उत्सव जयंतियाँ बनाने से शारीरिक विकास होगा, बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। ये अपन यहाँ ऊपर वैसे लिख चुके हैं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संस्कृति में पर्वों का क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति में पर्व का महत्व क्या है, इसके बारे में देखिए कि भारतीय जो संस्कृति है, इंडियन जो कल्चर है, उसमें पर्व का क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति विश्व की समृद्धतम तथा प्राचीनतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व की वर्ल्ड की क्या है, सबसे रिच और सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। इस संस्कृति में भारतीय पर्वों के पीछे अनगिनत रोचक पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएँ छिपी हुई है। भारतीय जो पर्व हैं उनके पीछे, जैसे कोई भी पर्व रामनवमी आती है तो उसके पीछे एक पौराणिक कथा है, दुर्गाष्टमी आती है तो उसके पीछे एक कथा है। ऐसे अलग अलग पर्वों और जयंतियों के अपनी भारतीय संस्कृति में एक रोचक कथाएं हैं, पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं हैं, जो हमारी संस्कृति की उदारता की विशेष पहचान है, जो हमारी संस्कृति को बताती है। पर्व ही ऐसे माध्यम हैं जो हमारे नीरस और उबाऊ जीवन में उल्लास व भाईचारे की भावना को भरते हैं। तो ये है भारतीय संस्कृति में पर्वों का महत्व, भारत इंडियन कल्चर में अपने जो उत्सव हैं, फेस्टिवल हैं, उनका महत्व ये है कि वो क्या होता है, इसमें भारतीय संस्कृति को विश्व की समृद्धतम संस्कृति मानी गई है और उसमें ये उदारता की पहचान है। और ये क्या है, हमारे नीरस जीवन को, उबाऊपन जीवन को उल्लास और भाईचारे की भावना से भरता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में समय सारणी किन किन आधारों पर तैयार की जाती है। टाइम टेबल जो होता है स्कूल के अंदर, वो किस किस आधार पर तैयार किया जाता है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। निम्न आधारों पर समय सारणी बनाई जाती है, विद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर पूर्ण करना। समय सारणी जो बनती है, टाइम टेबल जो बनता है, वो ये निर्धारित करता है कि हमें इस सिलेबस को, निर्धारित पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय सीमा में समाप्त करना है, पूरा करना है। दूसरा, पाठ्यक्रम का विभाजन बालकों की मानसिक शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। पाठ्यक्रम का जो डिवाइडेशन होता है वो बालक की देखी जाती है कि किस प्रकार से, किस क्लास में किस प्रकार के बालक हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका ध्यान रखा जाता है पाठ्यक्रम का विभाजन करने का। तीसरा, छात्रों को वर्ष भर व्यस्त रखना। समय सारणी का मेन उद्देश्य होता है कि बालक वर्ष भर व्यस्त रहे, उसमें लगा रहे। चौथा, छात्र व अध्यापक दोनों को अपने कार्य के प्रति सजग बनाना। छात्र और अध्यापक दोनों अपने कार्य के प्रति सजग रहे, कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहे, ऐसा टाइम टेबल का निर्माण करना। पांचवा, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य को सरल बनाना। अपना जो HM है उसके निरीक्षण कार्य को सरल बनाना, यानी कि इस प्रकार से बनाना कि वो उसका इंस्पेक्शन कर सके, निरीक्षण कर सके। छठा, कम से कम समय का अधिक से अधिक लाभ उठा सके, ऐसे टाइम टेबल बनाना, ऐसा समय सारणी बनाना जिससे क्या हो गया, समय कम हो तो भी बालक अधिक लाभ उठा सके, कम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, ये एक थ्योरी पर है। और अगला प्रश्न है सातवां, विद्यालय में व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध कार्य का संचालन करना। विद्यालय में क्या है,
सिस्टमेटिक और योजनाबद्ध कार्य का संचालन हो, कब पर्व जयंतियाँ किस पीरियड में मनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें योजनाबद्ध और व्यवस्थित होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, विद्यालय में ध्वज की उपयोगिता बताओ। जो झंडा होता है विद्यालय का, अपना एक ध्वज होता है, उस ध्वज की क्या उपयोगिता है। राष्ट्रीय ध्वज अलग है, राष्ट्रीय ध्वज को तो सबको, वो तो पूरे देश के संदर्भ में उपयोगी है, देश के सर्व संदर्भ में सम्मानित है, सम्माननीय है। लेकिन हम विद्यालय का जो ध्वज होता है, विद्यालय का जो ध्वज होता है, वो विद्यालय का ध्वज क्या करता है, एक गौरव का प्रतीक होता है। विद्यालय में ध्वज गौरव का प्रतीक होता है। विद्यालय के ध्वज को देखकर ही विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति समर्पण, उत्साह एवं परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। ये एक एकता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी खेल प्रतियोगिता होती है तो वो बालक जब आगे चलता है और अपने विद्यालय का ध्वज लेके चलता है तो उसको बहुत गौरव का अनुभव होता है, जब उसके पीछे खिलाड़ी। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय गेमों में जब वो भारत का तिरंगा लेकर के आदमी चलता है, खिलाड़ी चलता है, तो उसको बड़ा फख्र और गौरव का महसूस होता है। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, विद्यालय का लोगो से क्या मतलब है। विद्यालय का लोगो होता है, इस तरह का एक चित्र बनाया जाता है लोगो, और फिर उसमें विद्यालय और उसमें एक ध्येय वाक्य लिखा जाता है, और ये एक अलग विद्यालय का लोगो होता है, उससे मतलब क्या है। तो लोगो क्या है, प्रत्येक विद्यालय का एक ऐसे प्रतीक का चयन करता है हर विद्यालय या निर्मित करता है, जिसे देखने मात्र से कर्तव्य पालन करने की भावना विकसित हो जाती है। ये प्रतीक विद्यालय का लोगो कहलाता है। इस लोगो पर एक ध्येय वाक्य लिखा रहता है, जिसको पढ़ने से एक संदेश मिलता है। एक अपना लोगो होता है, जिस पर क्या होता है, एक ऐसा वाक्य होता है, ध्येय वाक्य होता है, जिसको पढ़ करके बालकों को कुछ ऐसा शिक्षा मिले, एक ऐसी शिक्षा मिले उस ध्येय वाक्य को, ऐसी कर्तव्य पालन करने की भावना विकसित हो, ऐसा उस पर एक ध्येय वाक्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रार्थना के उद्देश्य। प्रार्थना सभा जो होती है हर विद्यालय में, उसका क्या उद्देश्य होता है। देखो, प्रार्थना सभा का जो उद्देश्य होता है, बालकों में एकाग्रता का विकास करना, बालक एकाग्र होकर के, तल्लीन होकर के अपनी ईश वंदना करे, ईश्वर का नाम ले, तो उससे बालक में एकाग्रता विकसित होती है। नंबर 2, जब उसमें प्रार्थना सभा में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, और एक ऐसा समूह गान, राष्ट्रगान, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती है। तीसरा उद्देश्य होता है मेल जोल बढ़ाना। बालक जब इकट्ठे होंगे, एक साथ प्रार्थना बोलेंगे, प्रतिज्ञा बोलेंगे, तो क्या होगा, मेल जोल बढ़ेगा, सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी, नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, सामाजिक एकता बढ़ेगी बालकों में। ये सब बढ़ाने के लिए ये उद्देश्य होता है प्रार्थना सभा का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे इसमें कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, वैसे आप सब जानते हैं, ईश वंदना, श्लोक कथन, गीत कथा, संस्मरण, प्रेरक प्रसंग, कविता, समाचार, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आदि कार्यक्रम आदि इसमें होते हैं। और इस प्रार्थना सभा को हर विद्यालय ये चाहता है कि वो रोचक बनाए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट 4 के हैं, आप सब अच्छी तरीके से याद कर लेना और इसको समझ लेना, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के साथ अपनी ये यूनिट समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।